हेलो एवरीवन, आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। चाहे आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत करना, बट इसे बनाना ज़रूर। पहले मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट जब से मैं इसे अपने तरीके से बनाने लगी हूँ, फ्रॉम देन आई जस्ट लव इट। देखो कितने खिले खिले और दानेदार बने हैं। इसे अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो कोई चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब बनाते हैं। सबसे पहले मैं मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। देखो अभी अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो बस मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं उसमें एक गिलास सूजी को अच्छे से भूनूंगी। तब तक भूनना है जब तक सूजी में से अच्छा सा सोना सोना स्मेल ना आने लगे। देखो सूजी भून चुका है अच्छे से, तो मैं इसे भी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी और इसमें एक चम्मच सरसों के दाने और कुछ कड़ी पत्ता। इसे बहुत तेल के छींटे आ रहे हैं, तो मैं इसे ढक देती हूँ। देखो ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनूंगी। प्याज अच्छे से भून गया है, तो मैं इसमें बारीक कटे हुए आलू, गाजर, बीन्स, हरा मिर्च सभी को डाल के अच्छे से भूनूंगी। आप चाहो तो इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो जो आपके पास है। अब मैं इसमें काजू, किशमिश, बादाम, सूखा नारियल सभी को डाल के भूनूंगी। इसमें थोड़ा सा हल्दी डालूंगी बस कलर के लिए, और थोड़ा नमक, और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। जो मूंगफली मैंने भुना था उसे डाल दूंगी, उसका छिलका मैंने उतार दिया है, साथ में एक चम्मच चीनी। इसे खाओगे ना तो इसमें आपको सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, तीखा, मीठा, खट्टा सभी। अब मैंने एक ग्लास सूजी लिया था, तो मैं इसमें दो ग्लास से थोड़ा कम पानी डाल रही हूँ। पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उपमा में, इसलिए आप इसमें कोई गलती मत करना। अब इसे ढक के मैं बॉईल होने देती हूँ। देखो ये अच्छे से बॉईल होने लगा है, तो अब मैं धीरे धीरे सूजी को डालूंगी एक हाथ से, और दूसरे हाथ से इसे चलाते रहूंगी। इसे आप रोकना मत, बस चलाते रहना, नहीं तो ये तुरंत से सूख जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अभी इसमें तुरंत नमक भी डाल देना टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर लेट हो जाएगा तो फिर वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो ये तुरंत से सूख जाता है और कुछ पार्ट में नमक होता है और कुछ पार्ट में नहीं, इसीलिए आपको बहुत केयरफुली इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसमें थोड़ा खट्टा टेस्ट के लिए नींबू डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर दूंगी। देखो कितना दानेदार और खिला खिला है। आप एक बार उपमा इस तरह से बना लिए तो ये तो पक्की बात है कि आप वीक में 2 से 3 बार इसे जरूर बनाओगे। बस अब लास्ट में मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दूंगी और बस इसे अब गर्मा गर्म खाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।